सोलन के निजी विश्वविद्यालय में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने विद्यार्थियों को जीत का मूल मंत्र देते हुए कहा कि मेहनत से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाथ की लकीरों और भाग्य से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जिंदगी केवल मेहनत और लगन से बनती है, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके सामने मिल्खा सिंह खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान ने उन्हें अपने यहाँ दौड़ने की और उनके धावक अब्दुल खादिल को हराने की चुनौती दी थी, उन्होंने न केवल उनके धावक को हराया बल्कि उन्हें फ्लाइंग सिख की संज्ञा देने के लिए विवश कर दिया था। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी जीत का सफर 5 मील की दौड़ से आरंभ किया था और फिर उसके बाद उन्होंने मेलबोर्न में जब शिकस्त का सामना किया तो उन्होंने उसी वक्त यह निर्णय लिया था कि वह अब विजेता बनकर ही दम लेंगे। उन्होंने दुख भी जाहिर किया कि जो गोल्ड मेडल उनके हाथ से निकल गया था वह अभी तक कोई नहीं ला पाया है। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्र के नाम भी संदेश दिया, देश का कोई भी प्रधानमंत्री देश से गरीबी दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर अपनी गरीबी दूर करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, रोम ओलंपिक जाने से पहले 80 में से 77 जीत, ये सारी दुनिया को मालूम था कि अगर 400 मीटर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर तो मिल्खा सिंह इंडिया का ही जीतेगा उसको नहीं। मगर बच्चों, रेस में थोड़ी सी गलती हुई, वो गोल्ड मेडल जो था मेरे हाथ से गिर गया। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में से कोई न कोई ऐसा बच्चा निकलना चाहिए, लड़का हो या लड़की, जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया वो जाकर ओलंपिक खेलों में ले। कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने। अजम जो है उर्दू का लफ्ज है, जिसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जिस इंसान के अंदर दिल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा, डिसिप्लिन, करेक्टर, वो जमीन के उठ के आसमान को छूता है।